Dear students and viewers, assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic. That is concave and convex mirrors. जैसे कि कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मिरर जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक साइड जो है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वह जो अनदर साइड है दैट इज ए पॉलिश्ड सर्फेस और दैट इज ए सिल्वर सर्फेस. जो मिरर है इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ ए स्फीयर दैट इज व्हाई दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स. तो इसमें जो दो मिरर है कनकेव और कन्वेक्स मिरर, कनकेव के लिए बारे में हमने पढ़ा था कि वो मिरर दैट इज बल्जिड इनवर्ड्स और दैट इज बेंट इन, व्हाइल एज कन्वेक्स दैट इज बल्जिड आउट और बेंट आउट. तो इसमें एक सरफेस जो है ये पॉलिश्ड है और एक सरफेस क्या है रिफ्लेक्टिंग है, सेम इज द केस विद अ कन्वेक्स मिरर. तो जो यहाँ पर जो बल्जेड इन है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर बल्जेड आउट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स है दे हैव सर्टेन यूजेस. सबसे पहले अगर हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो ये यूज किए जाते हैं एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, इन हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स. आप इसे वाकिफ होंगे. इट इज ऑल्सो इन द सर्च लाइट्स जो कि आर्मी के पास होता है. सर्च लाइट के लिए एक बैटरी होती है. तो इसमें एक्चुअली हाई बीम ऑफ द लाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी. तो ये जो लाइट है इट गेट्स और अदर वी कैन से इट गेट्स डाइवर्जेड टू ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और हम दूर से किसी भी चीज को देख सकते हैं नाइट में, या हेडलाइट या टॉर्चेस. तो वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लाइट है इन सोर्स ऑफ लाइट से वो काफी ज्यादा डाइवर्ज हो सके और हम उसको देख सकें. तो जो कनकेव मिरर है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर्स. बार्बर्स जो होते हैं जो कि नाई लोग होते हैं उनकी दुकान में जो मिरर लगा रहते हैं उसको हम शेविंग मिरर्स कहते हैं. तो इन मिरर्स में एक्चुअली जो मिरर होता है वो कनकेव मिरर होता है ताकि हमें अच्छे से दिख जाए कि हमें कहां से बाल को काटना है, कहां से शेविंग या ट्रिमिंग करनी. इसके अलावा जो कनकेव मिरर्स है दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स. जो डेंटिस्ट है ये एक्चुअली इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इमेज है इमेज हमें क्या होनी चाहिए, हमें लार्ज इमेज मिलनी चाहिए. लार्ज इमेज क्योंकि हमारे जो टीथ है उनकी, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई फ्ला, कोई क्यूवाइस या किसी किस्म का कुछ ऐसा मत हो कि जिससे हमें आगे चलकर मुश्किलात का सामना करना पड़े. देन देयर आर कनकेव मिरर्स और लार्ज कनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ दीज सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं. यानी हमारे पास जो सोलर कुकर्स होते हैं या जो सोलर फर्नेस होते हैं, बाकी मतलब अगर हमें सोलर एनर्जी का किसी जगह इस्तेमाल करना पड़े तो वहां पे एक्चुअली उस सोलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मिरर लगाया जाता है जिसको हम जो कि मिरर कनकेव मिरर होता है. तो इससे क्या होता है जब लाइट पड़ती है, जब लाइट जो है ये डाइवर्ज होती है तो अंदर अगर कोई भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल सोलर कुकर में हम जो खाना वाना जो लगाते हैं, फूड जो लगाते हैं कुकिंग के लिए, वो काफी जल्दी तैयार हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कनकेव, बाय द यूज ऑफ दिस कनकेव मिरर. तो इस तरीके से ये जो कनकेव मिरर है ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस है. तो अगर हम अभी बात करें कन्वेक्स मिरर्स की, तो कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर्स एक्चुअली जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स ये कन्वेक्स है, ये कनकेव था. और रियर व्यू मिरर्स यानी हमारे पास जो OVRM या IVRM जो होते हैं गाड़ी में, ये गाड़ी के ड्राइवर के बगल में एक शीशा होता है, इस तरीके से जो को ड्राइवर होता है या को पैसेंजर होता है उसके बगल में एक होता है, उनको हम रियर व्यू मिरर्स कहते हैं या ORVM कहते हैं. इसके अलावा अंदर भी एक शीशा लगा जाता है, हम IVRM कहते हैं या इनर रियर व्यू मिरर IRVM. तो उससे क्या होता है, उससे हमें
पीछे आने वाली जो गाड़ी है या जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में हमें पूरी इमेज उस मिरर में आती है और हम अच्छे से बैद में ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को मैनेज कर सकते हैं। जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें हम अपनी गाड़ी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, या अगर हमारे आने वाली पीछे आने वाली गाड़ी में जो कोई एम्बुलेंस हो, एम्बुलेंस में जैसे हम लोग जानते हैं कि पेशेंट्स होते हैं जो कि मौत व हयात की जिंदगी से लड़ते रहते हैं बीमारी के दौरान, तो जो एम्बुलेंस जो होता है ये यूजुअली गाड़ियों में क्या ये उल्टा लिखा होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनता है ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो कनिकेव जो है ये इरेक्ट बनाता है, तो इससे क्या होता है जो रियर व्यू मिरर में ये सीधा लिखा जाता है एम्बुलेंस, तो हमें पता चलता है और हम ट्रैफिक में अपने आप को साइड करते हैं, अपनी गाड़ी को साइड करते हैं। सेम इज द केस विद अदर व्हीकल्स, तो जो एम्बुलेंस की गाड़ी है वो पेशेंट लेकर कहां जाती है, हॉस्पिटल जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इस कन्वेक्स मिरर को कहां पे हम इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ दिस रियर व्यू मिरर्स। बिसाइड्स दिस दिस कन्वेक्स मिरर इट्स आल्सो यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स, और जहां पर कि हमें किसी भी मतलब माइक्रोस्कोप्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जहां पर हमें एक्चुअली रियर व्यू इमेज चाहिए होती है किसकी, किसी भी मतलब मोनोकॉट स्टेम की, डाइकॉट स्टेम की, रूट की, लीव की, तो इस तरीके से हम इन अटेम्प्ट्स के लिए या इन चीजों के लिए या इन मतलब सिचुएशंस के लिए हम इन मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।